दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। अरे बहुते दिन हो गया था आप लोगों से बतियाए हुए। वो का है ना कि अपना देश में इतना तरह का समस्या सब बढ़ गया है कि उसी में हम व्यस्त हो गए थे। वैसे तो अभी का सबसे बड़का समस्या का है मालूम है? अरे वो है हनीप्रीत जी का समस्या। वो का है ना कि अपना सब दिन न्यूज चैनल वाला सब यही एनालिसिस करते रहता है भर दिन कि हनीप्रीत कहाँ भागी हुई है, हनीप्रीत का बाबा राम रहीम के साथ का चक्कर था नहीं था, इसी सब का एनालिसिस करते रहते हैं। अभी पूरा इंडिया चाइना डोकलाम पोकलाम सब चीज पीछे खत्म हो गया है। आदमी सब चाइनीज सामान का बहिष्कार कर रहे थे फेसबुक और व्हाट्सएप पर, वे सब ना अभी ग्रेट इंडियन सेल और बिग बिलियन डेज पर इतना शॉपिंग किए हैं कि मत पूछिए। और उसमें वो लोग देखे भी नहीं थे कि सामान सब मेड इन चाइना है कि मेड इन इंडिया है। वैसे अभी क्रिकेटो चल रहा है तो उसमें हम लोग ऑस्ट्रेलिया को बढ़िया से पिटपिटा रहे हैं। खैर छोड़िए, अपने राहुल भैया जो कि यहाँ पर बेरोजगार बैठे हुए थे उनको कुछ नहीं फुराया तो जाके यूनाइटेड स्टेट में भाषण दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उनके पास एक बहुत ही बढ़िया फार्मूला है जिससे कि सभी को जॉब मिल जाएगा। भैया वो फार्मूला को देश हित में जारी कर दीजिए ना। वैसे अपनी सुषमा आंटी यूनाइटेड नेशन में गई हुई हैं और वहाँ पर वो पाकिस्तान को भर पेट गरिया रही हैं। वो बता रहे हैं कि अपन लोग सब तो IIT खोले IIM खोले और पाकिस्तान का किया तो LET खोला JEM खोला यही सब किया। अभी तनका दिन पहले जापान के सिंजो चचा आए हुए थे अहमदाबाद में। वो यहाँ पर ना बुलेट ट्रेन का न्यू गा रहे थे। अब पूरे देश में चर्चा चल गया है कि बुलेट ट्रेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भैया इसका आंसर तो हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन हम ये कहेंगे कि बुलेट ट्रेन के लिए जो 1,00,000,000,000 रुपये का लोन ले रहे हैं उसमें कुछ 1,000,00,000,000 का लोन और ले करके हम लोग का जो नॉर्मल ट्रेन है उसको थोड़ा बढ़िया कर दीजिए, सीट उट बढ़ा दीजिए। कहा है कि हम घर जाने के लिए 4 महीना पहले जो सीट बुक करते हैं ना तो वेटिंगे में रहता है, कंफर्म कहियो नहीं होता है। अब पटरी सटरी सब भी खराब हो गया, उखड़ते रहता है, एक्सीडेंट भी होते रहता है, तो उस सबको भी सुधार हो जाएगा। क्या छोड़िए ये सब चीज़ पर दिमाग उमाग मत लगाइए ज़्यादा। कहा कि अभी तो नवरात्रि चल रहा है तो आराम से गरबा कीजिए, दुर्गा पूजा का पंडाल देखिए, रामलीला देखिए, वनबद्ध देखिए, मुहर्रम भी शांतिपूर्वक मनाइए। भीड़ भाड़ में तनका ध्यान रखिएगा, खुद का भी दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, जय राम जी की।